कि इस समय बीजेपी सरकार ने देश भर में जैसा माहौल बना रखा है कि कोई भी उसकी गुंडागर्दी के खिलाफ, कोई भी हिंसा के खिलाफ अगर बोल रहा है तो उसको टारगेट किया जा रहा है, उसके साथ मारपीट की जा रही है। इस सब के बावजूद आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों। लेकिन हमको अपने दोस्तों के बीच भी जाना होगा, अपने क्लासमेट्स के बीच भी जाना होगा और भारी संख्या में हम लोग को इनका विरोध करना होगा। क्योंकि मान लीजिए लोकसभा चुनाव आ रहे हैं मई में, लोकसभा चुनाव तक अब देश में यही माहौल बना रहेगा। ये लोग इसी तरह स्टूडेंट्स को टारगेट करेंगे, इस तरह टीचर्स के साथ हाथापाई करेंगे, इस तरह एक्टिविस्टों के साथ मारपीट करेंगे। इसलिए हम लोग को एकजुट होकर जो है इन लोगों का रजिस्टर करना है दोस्तों, क्योंकि इन लोगों का एक इतिहास है वो हमें नहीं भूलना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिसने लॉ फैकल्टी के उन टीचर के साथ मारपीट की है वो किसका छात्र संगठन है? वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का छात्र संगठन है, आरएसएस का। आरएसएस की स्थापना 1925 में इसीलिए हुई थी कि गुंडागर्दी करी जा सके, मारपीट की जा सके। आरएसएस को क्यों बनाया गया? बाकायदा आरएसएस की शाखाओं में हथियार चलाने की ट्रेनिंग किस लिए दी जाती है? 1925 में जब आरएसएस ने अपनी ये सेना बनाई थी तो अंग्रेजों से लड़ने के नहीं बनाई थी, जबकि उस समय आजादी लड़ाई चल रही थी साथियों। उन्होंने वो सेना बनाई थी मुसलमानों से लड़ने के लिए, दलितों से लड़ने के लिए। तो हमेशा से ये लोग देश के गद्दार रहे हैं और इनका ये हमेशा काम रहा है कि देश को तोड़ना है। देश में जो कमजोर तबका है, जो अल्पसंख्यक है, जो दलित है, जो पिछड़ा हुआ है, जो गरीब है, उसके खिलाफ हिंसा करनी है और हमेशा अमीरों की तरफदारी करनी है, भ्रष्टाचारियों की तरफदारी करनी है, साम्राज्यवादियों की तरफदारी करनी है। दोस्तों वहाँ से जो इनका इतिहास है जो 1925 से शुरू होता है, 1949 में फिर उनका छात्र संगठन बनता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इसका भी पूरा इतिहास वही रहा है। मैं 2008 में इस यूनिवर्सिटी में आया था दोस्तों। 2008 में हमारे हिस्ट्री विभाग के HOD थे प्रोफेसर जाफरी सर, इन्होंने हिस्ट्री विभाग में जाके ABP वालों ने, वहाँ इंटरनल एग्जाम चल रहा था लेक्चर हॉल में, वहाँ बाकायदा इन्होंने लेक्चर हॉल में जाके पत्थरबाजी करी, स्टूडेंट का सर फोड़ा, हमारे जो जाफरी सर थे उनकी जाके दाढ़ी पकड़ ली, उनके साथ जो है मारपीट करी। तो ये लोग बात करते हैं भारतीय संस्कृति की और ये लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं टीचर्स के साथ। क्या मामला था? मामला ये था कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट के सिलेबस में एक आर्टिकल था 300 रामायण, जो ये कहता था कि सिर्फ एक रामायण नहीं है वाल्मीकि या तुलसीदास की, रामायण के कई वर्जन है, 300 वर्जन है, वो सब वर्जन हमको पढ़ने चाहिए। लेकिन इन लोगों ने कहा नहीं, हम उन वर्जन को नहीं मानते हैं, हम जो है खाली वाल्मीकि और तुलसीदास की रामायण पढ़ने देंगे। और उसी सवाल पर जाके इन्होंने स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करी, टीचरों के साथ मारपीट करी। हम इन लोगों से सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर तुम लोग हो कौन ये फैसला करने वाले कि हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे? जब ये लोग सत्ता में नहीं रहते हैं तब भी ये लोग मारपीट करते हैं और जब ये लोग सत्ता में आ जाते हैं तो इनकी मारपीट और ज़्यादा बढ़ जाती है। आज केंद्र में इनकी सरकार है और उसके दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेके या देश की तमाम यूनिवर्सिटियों को लेके उसके तीन सीधे सीधे एजेंडे हैं दोस्तों। पहला एजेंडा है गुंडागर्दी करके अपनी संगठन को इन यूनिवर्सिटीज में स्थापित करना और जो भी आपके संगठन के खिलाफ, आपकी सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ बोलते हैं उसके खिलाफ मारपीट करना। दूसरा इनका एजेंडा है सिलेबस को पूरी तरह बर्बाद कर देना, सिलेबस में ऐसी झूठ मूठ और घटिया बातें डाल देना कि जो है पहली प्लास्टिक सर्जरी गणेश की हुई थी, पहला जो रॉकेट साइंस है वो भारत में आया था पुष्पक विमान, और ये सब घटिया घटिया मतलब जो एकदम अनसाइंटिफिक बातें हैं, अंधविश्वास की बातें हैं, उनको सिलेबस में डाल देना और जो है पूरी तरह साइंटिफिक जो एजुकेशन है उसको ख़त्म कर देना। तीसरा इनका एजेंडा है कि अपने लोगों को यहाँ पे अपॉइंट करना, इसीलिए हम देख रहे हैं कि टीचर्स के अपॉइंटमेंट में या MPhil PhD के सिलेक्शन में ये लोग क्या राजनीति कर रहे हैं, पूरी तरह आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं ताकि जो हमेशा से जो शासक वर्ग के जो लोग रहे हैं या अमीर घरों से आने वाले जो लोग हैं जो इनके समर्थक हैं उन लोगों को वो लोग टीचर अपॉइंटमेंट उनके कर सकें और MPhil PhD में भी सिर्फ उन्हीं लोगों को वो लोग एडमिशन। तो सीधे सीधे इन लोगों की रणनीति रहती है और ये रणनीति ये लोग इसलिए कैंपस में लागू करते हैं ताकि अमेरिका का जो एजेंडा है, जिस तरह 1947 से पहले इन्होंने अंग्रेजों की दलाली की, इंग्लैंड की दलाली की, 1947 के बाद से ये लोग अमेरिका की दलाली कर रहे हैं। ये जो मोदी साहब जो 56 इंच का सीना लिए अपने को शेर बने फिरते हैं, ये कैसे अमेरिका के सामने, WTO के सामने गेट्स समझौते में घुटने टेक के आए हैं ये हमको याद रखना होगा दोस्तों। 2013 में जब वहाँ गए तो उन्होंने शिक्षा को भी वहाँ पे बेच दिया, जो मनमोहन सिंह तक ने नहीं बेचा था, जिसको एक कमजोर प्रधानमंत्री ये लोग बोलते हैं, और अपना ये इतना बहादुर बनते हैं, लेकिन अमेरिका के सामने इन्होंने घुटने टेके। इन्होंने बोला ठीक है विदेशी यूनिवर्सिटियाँ यहाँ आएंगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ यहाँ खुलेंगी और जो है विदेशी यूनिवर्सिटियाँ अपना यहाँ बाजार चलाएंगी। मतलब शिक्षा को भी अब एक खरीदने बेचने का आइटम इन्होंने मान लिया है, ये भारत सरकार ने माना है अमेरिका जाके और बाकायदा उसमें मोदी साहब जो है दस्तखत करके आए हैं। तो ताकि अपना ये जो शिक्षा को बर्बाद करने का और विदेशी कंपनियों का, विदेशी यूनिवर्सिटियों की दलाली करने का, उनकी तिजोरी भरने का इनका जो षड्यंत्र है उसका कोई खिलाफ ना बोल पाए, उसका कोई विरोध ना कर पाए, इसलिए लोग स्टूडेंट को बांटते हैं,
जनता को बांटते हैं, धर्म और जाति के नाम पे, नेशनल और एंटी नेशनल के नाम पे उनको आपस में लड़वाते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। अब हमको अपने दोस्तों में जाना है, अपने क्लासरूम में जाना है, अपने कॉलेजों में, अपने डिपार्टमेंट्स में जाना है और अपने दोस्तों को समझाना है कि हमको इनके षड्यंत्र में नहीं आना है, इनके बुझावे में हमको बेवकूफ नहीं बनना है। और हमको अपनी जो हमारी लड़ाई है, जो ये रोजगार की जो ये लड़ाई है, जो यहाँ पे शिक्षा की जो बर्बादी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, फंड कट, सीट कट, स्कॉलरशिप जो यहाँ पे नहीं है, हॉस्टल जो यहाँ नहीं है, जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई अपनी लड़ाई है, उस लड़ाई को लड़ेंगे हम, एकजुट होकर लड़ेंगे। चाहे तुम जितना भी ध्यान भटकाने की कोशिश करो, चाहे तुम पाकिस्तान का मामला बना दो, चाहे तुम कश्मीर का मामला बना दो, लेकिन हमारी जो रोजी रोटी की जो लड़ाई है, हमारी जो अपने डेली लाइफ का जो स्ट्रगल है, उससे हम लोग नहीं भटकेंगे, हम लोग यूनाइटेड रहेंगे। और दोस्तों, जब जब लोग यूनाइट हुए हैं, ये बात याद रखिएगा कि जर्मनी और इटली में भी जब ऐसी ताकतें सत्ता में आई थी, हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोग, तो वो लोग चुनाव जीत के आए थे दोस्तों, लेकिन चुनाव से वो लोग नहीं हारे थे। अभी अगर हमने इनको लोकसभा चुनाव में ये लोग हार भी जाते हैं, तब भी इनकी ताकत खत्म नहीं होगी दोस्तों, सड़कों पे इनकी गुंडागर्दी जारी रहेगी। क्योंकि 5 साल में आरएसएस और एबीवीपी ने इतना पैसा और इतना हथियार इकट्ठा कर लिया है कि ये लोग अगर किसी और की भी सरकार आ जाएगी, तब भी इस तरह ये लोग दंगे, मॉब लिंचिंग, मारपीट, गाली गलौज, ये सब जारी रखेंगे। इसलिए उस तरह भी इनको जवाब देने के लिए हमको तैयार रहना होगा, हमको संगठित होना होगा, हमको एकजुट होना होगा। जिस तरह जर्मनी और इटली की जनता ने ऐसे संगठनों को, ऐसी ताकतों को नेस्तो नाबूद किया था, वैसे हमको नेस्तो नाबूद करना होगा। क्योंकि इतिहास ने ये सबक बार बार दिया है, हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं इसलिए हमको ये सबक पता है, लेकिन ये लोग पढ़ाई लिखाई में विश्वास नहीं रखते हैं। ये लोग यूनिवर्सिटी के आइडिया के खिलाफ हैं, डिबेट के खिलाफ हैं, इंटेलेक्चुअल वर्क के खिलाफ हैं। लेकिन इतिहास का ये सबक है दोस्तों कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की बात सुनेगा। तो ये सबक हमको याद रखना है और इन लोगों को भी हमको ये सबक सिखाना है। इंकलाब जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, 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 एबीवीपी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद।